इक्वल टू दिया हुआ है दिस एंड वाई इक्वल टू दिया हुआ है दिस एंड जेड इक्वल टू दिया हुआ है दिस सी टेन ए, यही है ना, एक ही वैल्यू है ना जेड की, बुक में देख लो एक बार, जेड की एक ही वैल्यू है या दो है, एक ही है टेन ए। चलिए ये सारी वैल्यू उठाकर ले आइए एक्स की जगह एक्स की, वाई की जगह वाई की, जेड की जगह जेड की रख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू ये पूरी है या एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा स्क्वायर में लिखा जाएगा, ये पूरा स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो अपन स्क्वायर में डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर, समझ में आया। फिर है प्लस वाई की ये पूरी वैल्यू है, यहां रखो वाई की जगह पे, सो बी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर था तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, ध्यान देना नीचे क्या है बी स्क्वायर, यही है। फिर सी की वैल्यू क्या है माइनस जेड स्क्वायर है, जेड की वैल्यू क्या है सी टेन ए, है ना, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन सी स्क्वायर, यही है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, वन लाना है, यही प्रूव करना है ना। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गायब, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गायब एंड सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गायब, है ना। अब जो चीजें बची हैं उनमें देखिए कॉमन क्या है, सो देखो सेक स्क्वायर ए ये दोनों कॉमन है ना, दोनों में है तो कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं कॉमन ले लेते हैं सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट में क्या बचा, सो यहां बचा कॉस स्क्वायर बी और यहां बचा साइन स्क्वायर बी और ये है माइनस टेन स्क्वायर ए, यही है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, क्या होता है वन, देखो इनके थीटा क्या है सेम है और ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, हाँ तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए इंटू वन, ये पूरा क्या मिल जाएगा वन, याद रहे तो ये वन हो गया, इसको रहने देता हूं लिख नहीं रहा हूं, ये माइनस लगाऊंगा और ये टेन स्क्वायर लिखूंगा। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये भी वन होता है, क्या होता है वन, तो क्या आ गया वन था, कुछ इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये चीज भी आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही होता है ना। अब देखो आप टेन स्क्वायर को इधर भेजो, वन को इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अब इसकी वैल्यू क्या हुई वन, यही चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये वन हो जाएगा। इस पे कई क्वेश्चंस, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसी पे नहीं इस पे भी बनते हैं। देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, बच्चे होते क्या है कि ये सारी आइडेंटिटी दोनों बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि क्लास टेंथ में पढ़ाया जाता है सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, इस वजह से ये दोनों आइडेंटिटी क्या होती हैं बहुत कम यूज होती हैं, और बहुत कम यूज होने की वजह से इनपे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे करने में डिफिकल्टी फेस करते कहीं ना कहीं। चलिए इसको देखिए आप लोग, यहां पे क्वेश्चन बनता कैसे, कॉट स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो देखेंगे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ओके। सो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया फाइंड या इवैल्यूएट, व्हाट इवैल्यूएट, सो इवैल्यूएट में यहां पे कोई भी वैल्यू डाल दी जाएगी, जैसे डाल दिया गया फाइव सेक स्क्वायर ए माइनस फाइव टेन स्क्वायर ए, बच्चे कंफ्यूज करे कैसे इसको, क्या करना है कुछ पता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी याद ही नहीं है, यूज ही नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो इसकी वजह से डिफिकल्टी फेस करेंगे। देखो इन दोनों में पांच कॉमन ले लो,
इन दोनों में फाइव कॉमन ले लो, क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू क्या मैंने बताई यहां पे? वन। सो ये फाइव इंटू वन फाइव हो गया। यहां पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं लेकिन दोनों जगह सेम रहेगा। ऐसे ही इस पे भी आता है, कोसेक माइनस कॉट पे भी। इस पे भी पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया जाए, इवैल्यूएट फाइव कोसेक, फाइव कोसेक स्क्वायर ए माइनस फाइव कॉट स्क्वायर ए। तो कैसे करोगे आप? तो इसे भी फाइव कॉमन ले लो और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू वन, तो फाइव इंटू वन। मेरे कहने का मतलब है यहां पे कोई भी वैल्यू सेम दी जाएगी उसे कॉमन लोगे और आइडेंटिटीज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही काम करना है और कुछ भी नहीं। आसान है ना? चलिए,